तो एट्थ ए अनवी इज देयर, अनवी प्रेशर, अनवी कम बेटा, टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या फंक्शन क्या है, क्यों लोग रिप्रोड्यूस, लोग या जानवर या प्लांट्स, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दोबारा से जोर से बोलो। हाँ ऊपर माइक ऊपर कर लो, हाँ सीधे होके माइक ऊपर मुंह के पास, हाँ नॉट न्यू सेल्स बट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन टाइप, राइट, सो वेरी गुड अनवी, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा और ठीक करें तो हम क्या कहेंगे, द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन टाइप, राइट, सो दिस इज रिप्रोडक्शन, ध्यान से इधर देखना है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में क्या होता है, दैट इज पहले गेमीट्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, देन दे फ्यूज फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट फॉर्म्स द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, राइट, सो व्हाट अ कजिन इफ यू से इन हायर ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से हायर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो एवोल्यूशन में जब से ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए तो जो बाद में आए हायर ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, देन व्हाट हैपन, फ्यूजन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, एंड व्हाट इज फॉर्मड आफ्टर फ्यूजन, यस यू पीपल टेल मी, जाइगोट यस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इज द जाइगोट सिंगल सेल और मेनी सेल्स, सिंगल सेल, जाइगोट इज फॉर्मड ऑफ सिंगल सेल, गैमीट मेल गैमीट सिंगल सेल, फीमेल गैमीट सिंगल सेल, व्हेन दीज टू गैमीट्स फ्यूज देन दे फॉर्म जाइगोट विच इज ऑल्सो सिंगल सेल, राइट, एक सेल का होता है, देन देयर अकर्स सेल डिवीजन एंड इट फॉर्म्स मल्टी सेल्ड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर एंड दिस एम्ब्रियो देन ग्रोथ, इट ग्रोज टू फॉर्म फीटस, फीटस क्या है, जो बच्चा पैदा होता है, द न्यू बॉर्न इज कॉल्ड एज फीटस, सो दिस टाइप, ध्यान से सुनो मेरी बात, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स, दो मेन प्रोसेसेस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 10th 8th भी बेटा पहले ध्यान से सुनो, बाद में लिखना। ठीक है, इधर पहले देखो, आई विल टेल यू व्हेन टू राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा, जैसे अगर हम कहें अमीबा है, अमीबा इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज अमीबा, इट्स न्यूक्लियस ग्रोज, देन इट्स न्यूक्लियस ये यहां से डिवाइड कर जाता है, दो बन जाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू अमीबा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बट सिंगल अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर अमीबा, बट बिफोर डिवीजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड देन द अमीबा डिवाइड्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच नो फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमीबा, देन अनदर इज ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डू यू नो द नेम? हाइड्रा दिस इज नॉट हाइड्रा, डोंट टेल मी। पैरामीटर। सीलियम, बिल्कुल ठीक है, इसके ये सीलिया है जिससे ये मूव करता है। दिस इज अगेन, ये क्या है, पैरामीशियम है, एंड दिस इज अगेन यूनिसेलुलर। ऐसे ही इसका भी न्यूक्लियस लंबा होगा, एंड इट डिवाइड्स लाइक दिस, एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर पैरामीशियम। अगेन दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट, बिल्कुल मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, अभी बंद कर दो बेटा, सुनोगे नहीं ना फिर रह जाएगा, लिखना बट रुक कर। देन अनदर इज
यस नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, या जोर से, दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा है। टेल मी इज इट यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? एट्थ ए, एट्थ ए बोलेंगे, जोर से बोलना है एट्थ ए ने। यूनिसेलुलर यस। एट सी इज इट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर? जोर से माइक ऑन करके जोर से बोलो। एट सी बिल्कुल ही ढीला बैठा हुआ है। यस एट सी दिस इज। ये चलो हमारी लाइट चली गई कि आई, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है। चलिए नो प्रॉब्लम्स। सो हाइड्रा इज, नहीं बेटा इट इज मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स है इसमें, ठीक है। अमीबा लिखो जरा, अब ये लिखो, राइट डाउन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, देन बैक्टीरिया, अनदर इज यीस्ट। हमने ये किया है यीस्ट के बारे में, राइट, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में यू हैव डन यीस्ट। ऑल दीज आर यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंड दिस इज कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन है बेटा? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड, द न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड आर सिमिलर, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू पेरेंट सेल्स या पेरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिवीजन ही तो हुई है सिंपल, कुछ फ्यूजन नहीं हुई, कुछ बाहर से नहीं आया, ठीक है। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आप अगर एक आलू की परौंठी लेते हो, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हो, आठ में डिवाइड करते हो, तो वो सेम परौंठी है, राइट, उसमें कोई चेंज तो नहीं ना आया, वो जो एक बार बन गई उसी के ही डिफरेंट पोर्शंस है, दैट आर सेम। इसी तरह से ये भी ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स है, क्या करते हैं, पहले अपने न्यूक्लियस को डबल करते हैं और फिर सेल डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये लिख भी, ये बना भी लो, दिस इज अमीबा, इट ग्रोज इन साइज, इट्स न्यूक्लियस ग्रोज। इस तरह से इसका ये न्यूक्लियस था,
फिर ये ग्रो कर गया एंड देन इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू अमीबा, डॉटर अमीबा. ड्रॉ इट क्विकली, क्योंकि सेम न्यूक्लियस ही डिवाइड किया है तो सेम ही होगा. ठीक है बेटा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क समथिंग? मैं साइड मैम, जो अम्बीबा होता है वो सिर्फ डॉटर सेल में ही फॉर्म होता है? नहीं तो वो और किसमें हो? सन सेल्स कुछ नहीं होते, डॉटर सेल्स ही हम कहते हैं बेटा. कोई भी, नॉट अमीबा, कोई भी सेल डिवाइड करे तो हम उसको कहते हैं डॉटर सेल्स. इज इट ओके? ठीक है, यू इफ यू डोंट वांट टू से डॉटर सेल्स यू कैन से न्यू अमीबा फॉर्म, राइट? हमें आदत है ना कि भी हम सेल को कहेंगे, क्योंकि कहते हैं सेल डिवाइड हुआ तो जो नए सेल्स बने डॉटर सेल्स, ऑर्गेनिज्म दो बने डॉटर ऑर्गेनिज्म, डॉटर सेल्स, राइट? ये बोलते साइंटिफिकली ही यही बोलते हैं बेटा. ठीक है, ये नहीं है कि वो डॉटर्स है, लड़कियां हैं, नहीं. अमीबा में लड़के लड़कियां कुछ नहीं होता है. नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन अमीबा या दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल आर सेम. जन बेटा, बना लिया आप सबने? एट्थ बी एट सी डन. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने पूरा लिखना है. सो विच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कौन से है बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? वन हाइड्रा, वन इज पहला है हाइड्रा, ये देखिए ये है हाइड्रा बेटा. ये पानी में रहता है और ये दिख जाता है आपको अगर हम ध्यान से वाटर में देखेंगे, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, लेक्स में. ये क्या है? इसके टेंटेकल्स है जिसकी हेल्प से ये स्विम करता है पानी में. ये माउथ है, माउथ, दीज आर टेंटेकल्स. ये कैविटी है और ये है बॉडी वॉल. दिस इज बड, दिस इज बड. तो बड क्या है? ठीक है, ये बड, व्हाट इज बड? एक तो फ्लावर बड होती है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. ऑर्गेनिजम्स में बड क्या है? दीज आर आउटग्रोथ्स. ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
बड जो है ये यहां से सेपरेट हो जाती है, बड सेपरेट्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एंड इट ग्रोज टू फॉर्म न्यू हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा किससे डिवाइड करते, किससे रिप्रोड्यूस करते, ध्यान से, बडिंग से। ठीक है, तो हाइड्रा हम क्या कहेंगे, इट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग और दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना है, कैसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर रहा है, बडिंग से। बडिंग, बड क्या है, एक छोटी सी आउटग्रोथ जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक सेल ही बहुत सारे सेल्स है, फिर ये इससे सेपरेट होती है, उसमें फिर और सेल्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। जबकि फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में क्या है बेटा, लेट अस से हम इस तरह से हाइड्रा बनाते हैं, तो हाइड्रा के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, इस तरह से करके इट इज फॉर्म्ड, इट इज कट इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दीज ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू हाइड्रा। ठीक है, सो योर टीचर कैन आस्क यू, गिव द टू प्रोसेसेस बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस। सो इट रिप्रोड्यूस बाय एट थे, कौन से दो प्रोसेसेस है, वन इज बडिंग एंड सेकेंड इज, जोर से, फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड, बडिंग मैंने आपको बता दिया, फ्रेगमेंटेशन में लिख लो जरा, राइट डाउन, या पहले ये लिखो फिर मैं फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ जल्दी से। बडिंग आपकी बुक में शायद बडिंग ही दिया हुआ है, बट वन मोर मोर दैट इज फ्रेगमेंटेशन। राइट डाउन फ्रेगमेंटेशन, पहले ये, बाद में ये लिख लेना, पहले मैं जो कह रही हूं वो लिख लो, फ्रेगमेंटेशन इन दिस टाइप, इन दिस टाइप हाइड्रा इज कट इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, हाइड्रा इज कट इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस रीजेनरेट्स, एंड ईच पीस regenerates to form new hydra. To form new hydra. For example, बेटा मैं एक और example आपको देती हूं, आपने बेटा grape vine देखी है, अंगूरों की बेल, yes or no? Yes. आपके आसपास कहीं लगी हुई है? Yes. ठीक है, तो जब नई बेल लगानी हो तो क्या करते हैं बेटा, हम अंगूर की एक टहनी, एक ब्रांच ले लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, यस और नो? ठीक है, उसके कभी भी सीड्स को नहीं ग्रो करते, अंगूर की बेल का, अंगूर का जो प्लांट है उसकी एक ब्रांच लेते हैं, उस ब्रांच को इट इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, और उसको हर पीस को, एक छोटी छोटी टहनी को हम क्या है, सॉयल में लगा देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम ईट पीस ऑफ दैट ब्रांच, कलम कह देते हैं जिसको हिंदी पंजाबी में, कलमे कह देते हैं ना कि कलम लगानी है, बाड़ की कलम लगानी है, अंगूरों की कलम लगानी है, रोज की कलम लगानी है, यस और नो, हैव यू हर्ड दिस टर्म कलम?
तो फिर वो हम कलम लगा देते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस के पीसेस लगा देते हैं, और थोड़े टाइम बाद आप देखना उसमें से थोड़े थोड़े लीव्स आने शुरू होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर और ब्रांचेस आती है, एंड द होल न्यू प्लांट इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, इसके फ्रेगमेंट्स, कागज के फ्रेगमेंट्स कर दो तो आप क्या करते हो, कागज को काट फाट के छोटे छोटे पीसेस कर देते हो, राइट? दैट इज फ्रेगमेंटेशन. इज इट ओके? फ्रेगमेंटेशन टर्म समझ में आई आपको? Yes. इसी तरह से हाइड्रा के हम छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, और हर पीस हाइड्रा का खुद ग्रो कर जाता है टू फॉर्म कंप्लीट हाइड्रा. इज इट ओके? राइट? ठीक है. इसमें से अगर कुछ लिखना रहता है, डायग्राम बना लो, लिख लो, है ना. हाइड्रा की टू प्रोसेसेस है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है. बड क्या है मैंने आपको बता दी, फ्रेगमेंटेशन किस तरह से, आई हैव टोल्ड यू. राइट डाउन जल्दी से. इज इट ओके? करें आगे. चलिए अब क्या है. अब बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल प्लांट्स की ही हम बात करेंगे. देयर आर सम प्लांट्स, बाकी सब छोड़ दो बेटा, बाद में देखना ये सब चीजें. सी हियर, देयर आर सम प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मैंगो की बात कर ली, यू कैन रिलेट विद इट. मैंगो का जनरली हम बाहर से ही प्लांट लगा के ग्रो करते. मैंगो जो है, नाउ देयर आर टू पीपल, दैट इज राधे एंड शमशेर. ये दो लोग हैं, दोनों के पास मैंगो ऑर्चर्ड्स है. एक मिनट हम बात कर लेते हैं. दोनों अमीर लोग हैं, इनके पास आम के बड़े बड़े बगीचे हैं, ठीक है. तो दोनों जो है, अब क्या किया कि राधे सेलेक्टेड वन वेराइटी ऑफ मैंगो प्लांट. उसने एक बहुत ही, जिसके आम बहुत सुंदर थे, बहुत ही मीठे थे, उसने वो वैरायटी सेलेक्ट की. उसके बाद कट इट्स ब्रांचेस इनटू फ्रेगमेंट्स. ग्रोन इन सॉयल. मैनी मैंगो प्लांट्स ऑफ सेम टाइप. कुछ भी फर्क नहीं था, क्योंकि उनका एक ही पेरेंट था जिसकी ब्रांच को काट कर सभी 10, 20, 30, 100 प्लांट्स लगाए. वो सभी के सभी एक जैसे थे, सभी में एक टाइप का फ्रूट लगता था, और वो बहुत ही डिलीशियस भी थे, ठीक है. एंड राधे वॉज वेरी हैप्पी. देन
शमशेर। आई डोंट नो कि ये इंटेलिजेंट है और ही इज ही अ स्टूपिड पर्सन। लेट्स सी। शमशेर प्रोड्यूस्ड मैनी मैंगो प्लांट्स बाय ग्रोइंग सीड्स। सीड्स आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, टू फॉर्म बाय सीड्स। सीड्स लगाकर उसने मैंगो प्लांट्स बनाए, विच आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। सम प्लांट्स लार्ज एंड स्वीट मैंगोस, सम अदर प्लांट्स लेस स्वीट मैंगोस, कुछ और प्लांट्स थे जिनमें छोटे बनते थे, इस तरह डिफरेंट वेराइटीज। सो हु इज, टेल मी हु इज मोर, यू नो, मोर इंटेलिजेंट, राधे की शमशेर? राधे। राधे आपने कहा, ठीक है। थोड़े टाइम में तो हमें भी यही लगता है कि राधे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब क्या हुआ, अगर हमें मैंगो अच्छे लगते हैं तो कुछ इंसेक्ट्स को भी अच्छे लगते होंगे, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स वहां पे घूमते फिरते आए, इन दोनों के खेत साथ साथ में थे, एंड दे ऑल्सो सेलेक्टेड राधेज ट्रीज टू इनफेक्ट, उनको भी वही प्लांट्स अच्छे लगे। अब क्या होगा? यस, नाउ टेल मी हु इज मोर इंटेलिजेंट, राधे की शमशेर? वाई शमशेर? Now what happens that some insects they came and they found these plants good. उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये सारे प्लांट्स एक तरह के थे और इंसेक्ट्स को बहुत सारा खाना मिला, तो उन्होंने क्या किया, इन इंसेक्ट इनको इन प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया, इनके फ्रूट्स खत्म करने शुरू कर दिए। और क्योंकि ये सभी प्लांट्स एक जैसे थे इसलिए सभी के सभी इन्फेक्ट हो गए। इधर शमशेर, इसके डिफरेंट वेराइटीज के मैंगोज थे, एक टाइप के नहीं थे, इसलिए इंसेक्ट्स ने एक पर्टिकुलर वेराइटी के मैंगोज को इन्फेक्ट किया, बाकी के प्लांट्स बच गए। इज इट राइट? तो यहां पर हर साल राधे को बहुत प्रॉफिट होता था, शमशेर को कम होता था, और इस बार क्या हुआ, राधे को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स ट्रीज गेट्स इन्फेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, वेयर एज शमशेर स्टिल एबल टू अर्न समथिंग बिकॉज मेनी ट्रीज वर सेव्ड फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ओनली फ्यू ट्रीज गॉट इन्फेक्टेड। अगर आप ये सोचिए कि अगर आप सबके सब है ना, नो टू पीपल आर सेम, आपके भाई बहन भी घर में है, क्या आप उनके जैसे हैं? लेट अस से टू ब्रदर्स घर में है, क्या आप दोनों सेम हो? नो। टू सिस्टर्स घर में है, क्या एग्जैक्टली सेम होती है? नहीं होती। टू ट्विन्स, कुछ तो सेम होती है बट मैक्सिमम टाइम वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते। हम तो कहते हैं भी हम अलग अलग टाइम पे पैदा हुए, ठीक है, इसलिए हम सेम नहीं हो सकते, बट अगर इन प्लांट्स को भी अलग अलग टाइम पे लगाया जाए, इवन देन दे आर सिमिलर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा और नुकसान है? फायदा ये है, यस एट्स बी, इधर बेटा ध्यान से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट, दे प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, दैट इफ सम पेस्ट, इफ सम इंसेक्ट
दे अटैक ऑन दीज ऑर्गेनिजम्स, ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, देन ऑल द ऑर्गेनिजम्स गेट द इन्फेक्शन बिकॉज ऑल आर सिमिलर. वेयर एज इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर सॉरी वेयर इन वेयर एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर अकर वेरिएशन. वेरिएशन होती है ना, जैसे हम कह देते हैं कि हमारे जो भाई या बहन, आई हैव सिस्टर, तो हम दोनों बिल्कुल अलग अलग है. हमारे कुछ चीजें शायद मिलती होगी कि हमारा नाक सेम है या हमारी आंखें सेम है, बट वैसे हम डिफरेंट है क्योंकि हम दो पेरेंट्स से बने हैं, मदर एंड फादर. मदर एंड फादर बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर अकर्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द टू गैमेट्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म इज ए मिक्सचर ऑफ टू. इज इट ओके? ठीक है. सो दिस इज वेरिएशंस. तो वेरिएशंस जो है, अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सोचो कि चार जनरेशन से आपकी, लेट अस से यू आर प्रोड्यूस योर, आई एम प्रोड्यूस्ड ओनली बाय माय मदर. तो मेरी मम्मा, मेरी नानी, मेरी परनानी और उसकी, वो सब जनरेशंस एक जैसी दिखेंगी, एक्सेप्ट ये कि एक जनरेशन बहुत बूढ़ी होगी, उसके बाद यंग यंग, बट दे ऑल आर सिमिलर. और कोविड आता, हम सबकी इम्यूनिटी एक जैसी थी, और कोविड आया और हमारी इम्यूनिटी ने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो हमारी तो जनरेशन ही खत्म हो गई. इज इट ओके? ठीक है. सो विच इज बेटर इन द लॉन्ग रन, ए सेक्सुअल की सेक्सुअल? सेक्सुअल ऑल दो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी वेराइटी है ना. लेट अस से हम कहें कि ये इंसान, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नोबल लॉरिएट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है. तो हम कहें कि अब हम जो है ना, हमें ऐसे ही बहुत सारे चाहिए, हम इसकी स्किन में से जो है सेल्स निकाल के न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर ले. कर तो शायद हो जाए किसी टाइम पे, बट वट विल बी द यू नो डिसएडवांटेज, दैट ऑल आर सिमिलर, सब एक जैसे नजर आएंगे. उसके बाद कोई डिजीज हुआ तो सबको हो जाएगा, सबके सब इकट्ठे मर जाएंगे. जबकि इन अ फैमिली ऑफ सेक्सुअल, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी की इम्यूनिटी वीक है, किसी की स्ट्रांग है, तो अगर कोई डिजीज आता भी है तो कुछ तो बच ही जाएंगे ना, सभी के सब तो नहीं ना एलिमिनेट होंगे. इज इट राइट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, डिफरेंसेस फ्रॉम द पेरेंट्स, डिफरेंसेस फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, एंड वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टाइम सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इज इट ओके? चलिए पहले ये एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट थिंग, इट प्रोड्यूसेस मेनी ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट टाइम. एक सीड लगाओगे तो एक प्लांट मिलेगा, और यहां पे एक प्लांट की एक टहनी ली, उसको फ्रेगमेंट्स में काटा और बहुत सारे प्लांट्स मिल गए. राइट? देन सेकेंड इज, इट मेंटेन्स गुड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. कुछ मिक्सिंग नहीं ना हुई? अगर एक मैंगो प्लांट बहुत अच्छा था, उसके स्टेम कटिंग से हमने प्रोड्यूस किए, ऑल द मैंगो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सेम वेराइटी. राइट? दीज टू आर द एडवांटेजेस. देन नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस. एज ऑल द
ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्टली सिमिलर बिल्कुल एक जैसे है देयरफोर ऑल आर वाइप्ड आउट ब्रैकेट में लिख लेना वाइप्ड आउट मीन्स पूरे खत्म हो जाना पूरी पॉपुलेशन उनकी खत्म हो जाएगी ऑल आर वाइप्ड आउट ड्यू टू कैसे पेस्ट अटैक पेस्ट और इंसेक्ट अटैक सेकेंड है सडन चेंज इन एनवायरमेंट एकदम एनवायरमेंट में कुछ चेंज आ जाए तो तब भी ये प्लांट सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि सब एक जैसे हैं ठीक है तो इनका खत्म होने का डर सबसे ज्यादा रहता है डन नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो राइट डाउन इट इज बेटर देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट डाउन साथ साथ लिखोगे तो ये एसेक्सुअल से बेटर है क्यों इट इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द न्यू ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट्स देयरफोर इफ Some insect attacks or environment gets changed. अगर कोई insect attack करेगा या environment change हो जाएगा, then some organisms विल डाई ऑब्वियसली कुछ तो इफेक्ट होंगे बट सम विल सर्वाइव क्योंकि सब सेम नहीं है एक दूसरे से डिफरेंट है किसी में इम्यूनिटी होगी वो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर पाएंगे ठीक है तो कुछ तो बचेंगे ओके ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ द क्वेश्चन मे कम हाउ वेरिएशंस अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है वेरिएशंस कहां से होती है तो आंसर इसका क्या आएगा Variations occur because two different gametes okay.
गैमेट्स फ्यूज, हमेशा रेड एंड व्हाइट नहीं मिक्स होगा, कभी कभी व्हाइट एंड येलो भी मिक्स हो जाएगा, कभी येलो एंड रेड भी मिक्स हो जाएगा, तो हमेशा डिफरेंट कलर्स बनेंगे अगर मिक्सिंग डिफरेंट होगी तो। अगर गैमेट्स डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, इज इट राइट? तो यहाँ पे डिफरेंट गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज बेटर। इज इट ओके? ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म ए फॉर्म, मैंने पहले लिखा था बट वो खत्म हो गई, फॉर्म दिस इज मेल, पता है इस साइन का? यस, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये मेल ये नीचे वाला फीमेल। अब क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। और फिर देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फॉर्म्स फीटस। गैमीट्स आर यूनिसेलुलर, गैमीट्स चाहे मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, एक ही सेल है। अगर आप देखेंगे ह्यूमंस का, आपने बनाया होगा, दिस इज ह्यूमन स्पर्म, बनाया डायग्राम के नहीं? यस और नो, जल्दी से बताओ, एट्थ बी है ना? तो ये स्पर्म है, मैं ज्यादा नहीं अभी बताऊंगी, ये न्यूक्लियस है, बाकी सारा आपको लगता है ये हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल है, चार पार्ट्स है, तो ये चार सेल्स के बने होंगे, नहीं ये एक ही सेल है, देखो एक ही न्यूक्लियस है, दिस इज यूनिसेलुलर। देन एग, दिस इज यूनिसेल्यूलर, और जब फ्यूजन होती है बेटा, वैसे मैं बता रही हूं अभी ये करने की, तो सिर्फ ये पार्ट यहां से टूट जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये और ये फ्यूज करते हैं और ये फिर एक बड़ा सा क्या बन गया, जाइगोट, दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर। तो गैमीट्स आर यूनिसेलुलर, जाइगोट इज यूनिसेलुलर, और उसके बाद ये डिवाइड करता है एंड इट बिकम्स मल्टी सेलुलर, एम्ब्रियो फीटस दीज आर मल्टी सेलुलर। लिख लो गैमीट्स एंड जाइगोट यूनिसेलुलर, वेयर एज एम्ब्रियो एंड फीटस मल्टी सेलुलर। चलिए जी, आज मैंने आपको बताया है सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल, बस जल्दी से